प्रयागराज से बड़ी खबर। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार के आदेशों के पालन को खंडित कर रही है प्रतापगढ़ जिले की पुलिस। आपको बता दें कि 19 अप्रैल 2021 को पुलिस कर्मियों ने खुलेआम मानधाता थाना अंतर्गत एक बूथ में चुनाव के मद्देनजर रखते हुए दबंगों का किया सपोर्ट, साथ ही मिलकर गलत तरीके से डलवा रहे थे मतदान। वहीं जब टीवी इंडिया न्यूज़ के पत्रकार ने कवरेज के दौरान ऑब्जेक्शन किया और वीडियो बनाया, तभी पुलिसकर्मियों ने पत्रकार का मोबाइल छीनते हुए गाली गलौज करते हुए लाठियां बरसाई। और साथ मंधाता थाना अध्यक्ष ने कहा, आप आईजी से कहो चाहे कप्तान से, हम तुम्हारे जैसे पत्रकारों से नहीं डरते हैं, जो करना है कर लो। जिसकी सूचना 23 अप्रैल 2021 को एसएसपी प्रतापगढ़ को सूचना अवगत करवाई। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश सरकार को ऑनलाइन सूचना दर्ज करवाते हुए जब कोई कार्यवाही नहीं हुई तो पत्रकार ने न्याय की फरियाद लेकर माननीय पुलिस महानिरीक्षक प्रयागराज को 26 अप्रैल 2021 को सभी मीडिया साथियों के साथ मिलकर ज्ञापन कार्यालय में जाकर अवगत कराया। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज के लिए रामबाबू पटेल की खास रिपोर्ट। प्रतापगढ़ जनपद मंधाता थाना अंतर्गत 19 तारीख को मंधाता थाना अंतर्गत चुनाव के मद्देनजर रखते हुए बूथ में पुलिस प्रशासन और मीडिया कर्मी से हाथापाई होते हुए पुलिस कर्मियों ने मीडिया साथी को अशब्दों का प्रयोग करते हुए मारपीट किया। आपके साथ कौन सी घटना हुई है उसके बारे में अवगत कराएं। हमारे साथ जो 19 तारीख का जो है चुनाव का दिन था प्रतापगढ़ में, हमने न्यूज़ कवरेज करने निकला था, ठीक है। जैसे ही चित्पालगढ़ के 40 पोलिंग बूथ पर पहुँचा तो देखा वहाँ सैकड़ों की भीड़ एकत्र है, तो हमने लोगों से जानकारी लिया कि क्या क्या है, क्यों ऐसा सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। तो बताया कि यहाँ प्रधान कुछ प्रत्याशी हैं, अपने दबंग प्रत्याशी, जो अपने प्रत्याशी के पक्ष में वोट डलवा रहे हैं जबरन पुलिस की मौजूदगी में। तो हमने जैसे ही उसका वीडियो बनाना चालू किया तो पुलिस जो है वहाँ की पुलिस और जो ड्यूटी पे थी वो और जो वहाँ के दबंग लोग हमें वीडियो बनाने से मना करने लगे। मैं बोला सर आप अपना काम करिए, ये सोशल डिस्टेंस। तो बोले आप जो है यहाँ हमें तुम्हारे जैसे पत्रकार बहुत आते हैं, हमें आए हो पत्रकारिता सिखाने, और धक्का मुक्की करने लगे वहाँ, हमें अशब्द का प्रयोग किए जो वीडियो में साफ दिख रहा है। और हमने फिर जो है एसपी महोदय को फ़ोन लगाया प्रतापगढ़, उन्होंने हमें एडिशनल एसपी जो है पूर्वी का नंबर दिया, पूर्वी को लगाया हमने फ़ोन, तो उन्होंने बताया कि जो है आप जो मैं कार्रवाई करता हूँ, आश्वासन दिए कार्रवाई करने का। फिर हमने जैसे ही वहाँ से निकल रहा हूँ तो थाना या तो थाना अध्यक्ष मानदादा जो है पहुँच गए, उन्होंने बिना जानकारी दिए हम पर लाठियां बरसाना चालू कर दी। बता रहा हूँ कि मैं पत्रकार हूँ, ये है मेरी आईडी है, ये हमारे पास है, ये सब कुछ है, उन्होंने कुछ नहीं सुना और गालियां देना चालू देते रहे और पीटते रहे। आप किस चैनल से पत्रकार हैं? हम टीवी वन इंडिया न्यूज़ से पत्रकार हैं। तो आपके सामने आपके साथ जो ये घटना हुई है किस तारीख को हुई थी? 19/4/2021 करीब 12 बजे हुई है। तो क्या आप मतदान को कवरेज करने के लिए गए थे? मतदान कवरेज कर रहा था। अच्छा, तो इसकी सूचना आपने सारे अधिकारी को दिया? हमने इसकी सूचना जो है प्रतापगढ़ पुलिस अधीक्षक को दी, वहाँ से भी कुछ सुनवाई नहीं है, एडिशनल एसपी जो है पूर्वी को दिया, वहाँ से भी उन्होंने बोले हम कार्रवाई करते हैं, आश्वासन ही आश्वासन दे रहे हैं, अभी तक कोई कार्रवाई हुई नहीं है। तब मजबूर होकर के आपने कहाँ पे ये गुहार लगाई है? अभी हमने जो है महानिरीक्षक पुलिस महानिरीक्षक जोन प्रयागराज में आया हूँ। अच्छा, उनको जो है ज्ञापन देने के लिए। अच्छा, ये है उत्तर प्रदेश योगी सरकार जी में पुलिस प्रशासन की मनमानी। पत्रकार मीडिया साथियों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन इन मीडिया साथियों को कोई भी न्याय नहीं मिल पा रही है। इसीलिए आज न्याय की गुहार लगाने के लिए प्रयागराज पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय में आकर के अपने न्याय के लिए गुहार लगाया है। नाम बताइए क्या है? हमारा नाम है रेहानुल हसन सुरेशी, आर एस सुरेशी। अच्छा, तो पुलिस अधीक्षक महोदय ने हमारे को जो है गालियाँ देते बोले एस पी को फोन लगाएगा, अब आई जी को लगा, एडीजी को फोन लगा। आपको दिखाते हैं कार्यालय पुलिस महानिरीक्षक प्रयागराज परिक्षेत्र का, ये पूरा एरिया है। अच्छा,
जहाँ पे प्रयागराज से चल करके पत्रकार मीडिया साथी आए हुए हैं।